दिल्ली विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गई हैं और विधानसभा चुनाव क्षेत्र में विकास के आधार पर लड़ा जाता है। लेकिन हम जो आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं उन्हें देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि देश की राजधानी दिल्ली का क्या हाल है। और विकास की बात करें तो इन तस्वीरों में आप स्वयं देख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता का कितना विकास हुआ है। यह नज़ारा है उत्तर पूर्वी दिल्ली के ब्रजपुरी रोड का, जिस रोड से रोजाना हजारों की संख्या में वाहन और पैदल यात्री यहां से गुजरते हैं। लेकिन इसकी हालत यह तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं, जिन्हें देखकर आप भी समझ जाएंगे कि आखिर विकास के नाम पर हर 5 साल में चुनी जाने वाली सरकार अपने कार्यकाल में कितना विकास कर पाई है। यह रोड उसका जीता जागता प्रमाण है। इस रोड के बारे में यहाँ की जनता का क्या कहना है, आप स्वयं सुन लीजिए। यहाँ देखो हर बार जो है कोई से भी साल में देख लो जाड़ों में ही कोहरा आता है, लेकिन यहाँ देखो गर्मी की में भी कोहरा आ रहा है। कोहरा का मतलब समझ रहे हो, जैसे धूल उड़ रही है तो वो कोहरा ही साबित हो रहा है एक किस्म का। ना किसी को सांस लेनी पड़ रही है और सांस लेने में इतनी समस्या हो रही है। वे बेचारे दो दुकान रख के बैठे हुए हैं, तेल में सब धूल चली जाती है, कोई आदमी समोसे किरकिरे हो जाते हैं, कोई आदमी समोसा नहीं खाना चाहता, टूटा पड़ा है, काम हो ही नहीं रहा है। सब कह जाते हैं जी हो जाएगा, पता ना कब हो जाएगा। हर काम हो जाता है ना, ये रास्ते ठीक ना होते, अभी कोई विकास ना हुआ। सब ऐसे कहते रहते हैं जी अब होएगा, जी अब होएगा, क्या जी सभी वोट आए क्या जी अब होगा, चलो हो जाएगा ठीक है, इंतजार करते हैं, पता चलेगा। ये सीजन भी ऐसे चला गया। ये ब्रजपुरी है समस्या, ये रोड खराब था जो है, तो रोड अब तो नंबर लग गया, इसका बनने जा रही है, ये बनने लगी है, चालू हो गया काम। तो पहले से खराब ही था, अब जो है काम चालू हुआ है इसका, कल परसों से उद्घाटन हो गया, चालू है। अब देखो कितना टाइम लगा है बनने, बरसात आ रही है, जब तक बन जाएगा, हो सके ये कह रहे हैं बन जाएगा। समस्या 10 साल से रोड खराब है, बरसात से पानी भर जाता है, बैटरी रिक्शे वाले सवारी लेके गिर जाते हैं, ये दिक्कत है, धूल मट्टी उड़ रही है। 10 साल हो गए इसे, क्या लग रहा है अभी तक रोड बनने, अभी तक देखो काम चालू हुआ, बनता है नहीं बनता काम, यहाँ का बहुत ढीला हो रहा है कई सालों से, मतलब ये पानी भर रहा है, मतलब घुटनों घुटनों पानी में निकल के जाते हैं, ये अवरोड़ी पड़ी है कुछ दिन से, समझे, बरसात के टाइम में निकला नहीं जाता, इतनी बुरी हालत रहती है। लोगों की माने तो यह रोड पिछले कई वर्षों से जर्जर हालत में यूं ही पड़ा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस रोड पर नाला निर्माण करवा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद फिर इसका काम ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई है तो लोगों को आस है कि इस विधानसभा चुनाव में शायद यह सड़क बनकर तैयार हो जाए। संदीप कुमार के साथ प्रिंस सोलंकी, तेज निगाहें दिल्ली।